बड़ी बेसमेंट बनी हुई थी, बेसमेंट में कार पार्किंग थी, कार पार्क करके थे हम आए यहाँ पे। और ये जो फर्स्ट फ्लोर है इस पर जो है ना सारा इन्होंने सारा वजू का बनाया हुआ था। साथ ही हम जो है यहाँ से एंटर हो रहे हैं, एंटर के साथ ही सामने वजू का एरिया था, एक जो वॉशरूम थे और ये दरमियान में सामने शॉप है। और इस शॉप पे जो है ना वो सारी जितनी भी जो है ना चीज़ें होती हैं खूबसूरत किस्म की डेकोरेशन वाली, अल्लाह के नाम, कुरान और उसके अलावा जो खूबसूरत खूबसूरत अल्लाह लिखा होता है, अल्लाह के 99 नेम्स टेकन और तस्बियाँ, जानमाज, अबाया, नज़र आ रहा है खूबसूरत किस्म की सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये तुर्की से आई हुई हैं, स्पेशल तुर्की से आई हुई मॉस की तुर्की की है। और इस मॉस के बारे में भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि ये जो है ना यहाँ से तुर्की की फर्स्ट मॉस्क है जो कि तुर्की से बाहर बहुत बड़ी जो है बनाई हुई है और खूबसूरत जो है मॉस्क है, जैसे तुर्की की बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है ना, लेकिन जो आउट ऑफ कंट्री बनाई हुई है ना मॉस्क, उनमें से सबसे बड़ी मॉस्क जो आउट ऑफ कंट्री उन्होंने बनाई है ना तो ये अमेरिका की मैरीलैंड के अंदर है। और ये जो शॉप इन्होंने बनाई हुई इसमें भी सारी तुर्की से लाई हुई चीज़ें हैं, शॉप नीचे थी और फिर ये सारी स्टेयर्स थी, स्टेयर्स तक हम ऊपर आए और इस कदर खूबसूरत मंजर कि आप जो है ना कैमरे में कैप्चर भी नहीं कर सकते, रियल आइज से देखें ना तो आपको पता चलेगा कि इतनी खूबसूरत एंटीक स्टाइल की और जैसे तुर्की में ही होती है ना मॉस्क वैसी ही खूबसूरत किस्म की। और आपको एक और ख़ास बात बताऊँ इसकी कि इसकी जितनी भी जो ये कंस्ट्रक्शन हुई थी ये सारा कुछ इसमें लगा हुआ है, दरवाजे और खिड़कियाँ, नीचे फ्लोर का मार्बल और सारी चीज़ें तुर्की से आई थी अमेरिका में। और इवन के जो कंस्ट्रक्शन करते थे जो लोग थे, जो मजदूर वगैरह भी थे, जो वो सारे भी थे तुर्की से स्पेशल आए थे इस मस्जिद को बनाने के लिए, वहाँ से सारा उनका जो है ना वो लोग आए, सारा मटीरियल, सारी जो जितनी भी किस्म की यहाँ पे जो खूबसूरत किस्म की जो एंटीक आपको दरवाजे मार्बल जो वॉल के ऊपर जो हुई है इंटीरियर सारा किस्म का जो है ना वो सारा तुर्की से आया था। एक खास आप मॉस्क देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज की या डिफरेंट जगहों की तो आपको पता चल जाता था कि इनका स्टाइल है, तो ये तुर्की की स्पेशल जो उनके कल्चर है उसके मुताबिक उनकी कल्चर वाली जो है ना मॉस्क बनाई हुई है। यहाँ पे आपको वैसे कोई वैसे भी देखेंगे ना इतना भी पता चलेंगे तुर्की की है क्योंकि सारे उनके जो कल्चर चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं खूबसूरत किस्म की। और खिड़कियाँ दरवाजे ऐसे बने हुए खिड़कियाँ बनी हुई हैं छोटे छोटे से उनके ऐसे दरवाजे लगाए हुए हैं और बाहर जो है वो जाली लगी हुई है। और उसके अलावा जो है इस मस्जिद की जो ख़ास बात है ना इसकी जो ग्रैंड ओपनिंग हुई थी वो तुर्की के सदर ने की थी और जो मॉस्क जो बनी हुई है तुर्की की गवर्नमेंट ने बनाई हुई है एक्चुअली, तभी यहाँ वहाँ से सारे मजदूर आए, तभी वहाँ से सारा मटेरियल आया और जो इतनी बहुत बड़ी जो बनाई है ना बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हुई ये सारा कुछ जो है वो तुर्की गवर्नमेंट ने ही किया, तुर्की गवर्नमेंट की ही है। और जो है ना अब हम साथ साथ जो है वो देखते जा रहे थे, साथ साथ थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री बताते जाएंगे। हम एंटर हुए हम लोगों ने नमाज पढ़ी, नफल पढ़ी मस्जिद में एंटर होने के और जो है छत
बसों की जगह बनी हुई है। मुझे ऐसा याद है जैसे जाना मस्जिद नबवी भी जाते हैं, तो मुझे तो वैसे ही फील हुई क्योंकि मस्जिद नबवी तो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत दरवाजे, इतने बड़े बड़े दरवाजे, जो लोग गए हैं उनको जरूर पता होगा। तो लेकिन मुझे इधर एंटर होता ना एकदम जैसे जो है ना जैसे मैं मस्जिद नबवी में आई हूँ, तो ऐसी थोड़ी सी फीलिंग हुई। खूबसूरती में मॉस्क की खूबसूरती देखते और जो है ना बहुत ही खूबसूरत बनी थी, आपको नज़र आ रही इतनी खूबसूरत, ऊपर जो है जो इन्होंने काम किया हुआ है गोल्डन ग्रीन और जो सारा जो लिखा हुआ है सारा बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। एक जो चारों तरफ से ये बरामदा बनाया है मेरे बजे की जगह, और बस हम लोग अभी यही देखे थे, सर्दी भी आज बहुत ज़्यादा थी तो हम जो है बाहर निकल के घर, तो हमने सिर्फ फुल पैक बच्चे रखे हुए थे, जैकेट्स पहनाई हुई थी बच्चों को साथ साथ। तो यहाँ से जो है ना बाहर निकलते हैं, ये बाहर निकल के सामने ही इन्होंने जो है ना ये कैंप लगा रहे हैं, तो इसमें जो डोनेशंस वगैरह दे रहे हैं, इन्होंने कैंप्स बनाए हैं, जो तुर्की में जलजला आया ना उसके लिए लोग जो यहाँ पे आके डोनेशन देते हैं। और उसके अलावा जो है ना सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं फॉरेस्ट एक हॉल है, तो उसके अलावा ये जो हम जहाँ से निकले हैं ये मॉस्क है, तो इसके अलावा रेजिडेंशियल एरिया भी है साइड पे, रेजिडेंशियल एरिया है, और फिर उसके बाद कल्चरल सेंटर है इनका, और फिर उसके बाद गेस्ट हाउस है साथ ही इनका, और साथ साथ जो है इसके जो है इन्होंने स्विमिंग पूल बहुत बड़ा बनाया हुआ है यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना बहुत ही खूबसूरत मैंने देखा ना सब ये मॉस्क के थ्रू पार्क बाई पार्क बनाया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल जहाँ 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 की नज़र जा रही है तो सारा इस मॉस्क का एरिया है, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रोड बनाए हैं, तो पीछे भी रेजिडेंशियल सारा एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, और यहाँ से अब जो पीछे इन्होंने बनाया हुआ है ना साथ इन्होंने पार्क बनाया हुआ है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे अमेरिका में जितने भी हम मॉस्क देखे हैं ना साथ बच्चों के पार्क भी उन्होंने छोटा सा बच्चों का पार्क भी बनाया होता है, जिस तरह मॉस्क करी या कोई भी ईद वगैरह की हुई तो साथ बच्चे पार्क में खेल लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ सामने मॉस्क है, सामने मॉस्क के सामने ही इन्होंने जो है ना रेजिडेंशियल एरिया ये भी इन्हीं का तुर्की के सारी जो है तुर्की के मॉस्क के बीच में ही सारा कुछ इसी का ही है, और फिर ये जो है ना इन्होंने ये पार्क बनाया हुआ है बच्चों का, झूले वगैरह लगे हुए हैं, बच्चे यहाँ पे झूले ले सकते हैं, तो जो है ना मनोहर हसन ने देखा था ये लोग भी जो है यहाँ भाग गए हैं कि हम जो है ना झूले ले लें, तो बस यहाँ पे ये झूले लेने लगे हैं। तो ये देखिए जितना आप चल चल के भी थक जाएंगे इतनी जो है वो बड़ी मॉस्क है माशाल्लाह, और वैसे जो है ये सारे वगैरह को तय कैंप कर रहे हैं यहाँ पर आप डोनेशन अपनी दे सकते हैं, तो क्योंकि ये जलजला आया उसके, और ब्यूटी तो इस तरह खूबसूरत है जो ना मेरे पास अल्फाज नहीं है इसकी खूबसूरती बयान करने के, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत लगी, बाहर से भी अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनाई हुई है। अच्छा ये मॉस्क बनाई उन्होंने जहाँ पे हुई है मैरीलैंड में, और मैरीलैंड में जो बनाई हुई है ना वहाँ पे जो है कैनेडा से भी लोग आते हैं, क्योंकि जैसे वर्जीनिया मैरीलैंड साथ मैरीलैंड और सारी वर्जीनिया भी लगता है, तो यहाँ से जो है ना बाय रोड सिर्फ 9 आवर्स की ड्राइव है कैनेडा की, तो जो इन्होंने जो मॉस्क का ये एरिया जो सिलेक्ट किया था ना सारे लोग जो कैनेडा से भी आए वो लोग भी आए विजिट करें, और ख़ासतौर पर तुर्की के लिए बनाई थी, तुर्की के जो मुस्लिम्स थे यहाँ पे उनके लिए बनाई थी, और फिर सारे जितने भी मुस्लिम्स आते हैं डिफरेंट कंट्रीज के मुस्लिम सब यहाँ पे आते हैं विजिट करते हैं, उन सब के लिए बनाई थी, कल्चरल जगह है, और यहाँ पे बहुत ही वैसे माशाल्लाह अमेरिका में जो लोग देख रहे होंगे पीछे उनको पता चल रहा होगा कि इतनी खूबसूरत इतनी बड़ी मॉस्क है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉस्क है अमेरिका में, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर रिलीजन जो है उसको आज़ादी है, आप अपना जो है वो अपनी इबादत कर सकते हैं, अपने जो इवेंट्स कल्चर जो चीज़ें उनको मना सकते हैं कर सकते हैं, मुस्लिम हो क्रिश्चन हो हर कोई जो है ना यहाँ पे इस कंट्री में आज़ादी के साथ जो है ना अपने रिलीजन को लेके चल सकता है, तो हमें तो बहुत हमने इंजॉय किया, हमें मज़ा आया, अभी और भी काफ़ी जगह है रह गई थी देखने वाली, नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगी, नेक्स्ट विजिट में दिखाऊँगी, तो आई होप सो आप लोगों ने जो है इंजॉय किया और इस खूबसूरत तरीन मस्जिद को हमने तो बहुत इंजॉय किया, बहुत फन किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।